हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी को? आई होप कि आप सभी को ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है गाइस। और जैसे कि हम लोग ने परसों को लाइव आए हुए थे और लाइव में आप सभी ने बहुत सारे कमेंट करके बोल रहे थे कि दीदी आपका लव स्टोरी फुल वीडियो बनाओ और हमें बताओ कि आप लोग कैसे मिले, आपका शादी कैसे हुआ, क्या स्ट्रगल रही आप लोग की जिंदगी में और YouTube में कब से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम लोग कब से काम कर रहे हैं YouTube में और बहुत कुछ है ना। तो चलिए, ये हमारे लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है गाइस, मतलब बहुत ही मतलब स्पेशल वीडियो है क्योंकि हाँ, सच बहुत में दिनों से मतलब ये कमेंट आज से नहीं बहुत दिनों से जब से हम लोग यूट्यूब से काम कर रहे तब से ये कमेंट आ ही जा रहा है और ये कमेंट हम रिप्लाई भी कर रहे थे कि करेंगे, बट बीच में बस मैंने थोड़ा सा एक स्टोरी बताई थी कि हाँ हम लोगों ने मिले थे बस एक स्टेशन में और हमारा मीटअप का जर्नी वो मैं बताई थी। जिनको नहीं पता वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें बस हम लोग थोड़ा सा अपने बारे में बताए थे, कहाँ रहने वाले हैं, क्या है, वो सारी चीजें बताए थे। बाकी आज ये वाला वीडियो में आप सभी को पूरा फुल वीडियो मतलब पूरा लाइफ का जर्नी हम लोग बताने वाले हैं इन 3-4 सालों में कि हम लोगों ने कैसे शादी किया, कैसे मिला, हम दोनों गर्लफ्रेंड थे या नहीं थे, या फिर ये हमको मतलब शादी क्यों क्या, हम इससे शादी क्योंकि मतलब सारा कुछ बताने वाले हैं और आप लोग भी शायद बहुत इस वीडियो के लिए वेट किए रहोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे या ना लगे लेकिन एक कमेंट जरूर करना है आप लोगों को इस बारे में, क्योंकि जो अभी हम लोग अपना स्टोरी बताने वाले हैं वो किसी को मतलब हम लोग अपना क्लोज फ्रेंड को जिसे को पता है हमारा स्टोरी, वो लोग जब भी वो सुनते हैं वो चीजें वो लोग देखे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब पॉसिबल ही नहीं हो सकता ऐसे। तो शायद अभी आप लोग को हम लोग बताने वाले हैं तो शायद आप लोग भी सुन के वो चीजों को थोड़ा सा मतलब सोचोगे क्या मजा आके, बट सीरियसली जो कुछ भी आज हम लोग बताने वाले हैं वो सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोग को भी सुनने में, हम लोग भी मजा आएगा बताने में क्योंकि हम लोग को भी एक्साइटमेंट हो रही है बताने के लिए कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें वाला। लेकिन हाँ, जहाँ से हमने पिछला वाला ब्लॉग छोड़ा था वही से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी तो हम लोग अपना स्टोरी बताने वाले हैं, बट उससे पहले अगर जो हमारे नए व्यूअर्स होंगे, नए सब्सक्राइबर होंगे, उनको सबसे पहले हम लोग बताना चाहेंगे, मेरा नाम है मनीषा साहू, मेरा नाम है अजय साहू, अजय साहू, और मेरा एज है, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ कि मैं सब कुछ बता रही हूँ, तो मैं चाह रही थी कि हम दोनों का सब कुछ पहले बताएंगे, हमारा एज, नाम, कहाँ से रहने वाले, थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरा नाम है मनीषा साहू, मैं मनीषा साहू बनने से पहले मैं थी मनीषा ओराम एसटी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा जन्म तारीख है 2003 जनवरी 18, और फिर मैं रहने वाली हूँ ओडिशा की राउरकेला सिटी, सिटी में नहीं बोल सकते, राउरकेला से जस्ट 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, वो गांव में मैं रहती हूँ, गांव का नाम है उर्सू बस। और बाकी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी डिटेल्स में, बाकी इतना ही है। और मैं कोई अमीर फैमिली से नहीं हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। एंड ये रहा मेरा अपने बारे में कुछ मैं बता रही हूँ, एंड अभी गोलू बताएगा अपने बारे में, बताओ अपना एज, नाम, उन सब कुछ। मेरा नाम है अजय कुमार साहू और मेरा अभी एज है 26 और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/7/2000, सॉरी इसको खुद नहीं पता कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या, अच्छा बताओ तो फिर से बताओ, सॉरी मेरा डेट ऑफ बर्थ 18/7/1998, भाई मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। इनका अभी हो रहा है एज 26 और मेरा हो रहा है 21, यानी कि 5 इयर्स का डिफरेंस। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है वहां शुरू करते हैं। कर दे क्या, मुझे अभी भी थोड़ा सा वो लग रहा है, सोच लो क्योंकि हमारा स्टोरी इतना है कि वीडियो काफी ज्यादा ऑलरेडी लंबा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग ज्यादा लंबे में नहीं बनाएंगे और जितना हो सके जितना भी चीजें हैं इन 3-4 सालों की बातों को हम लोग शॉर्ट में ही करने की कोशिश करेंगे, जल्दी खत्म कर दे। सारा चीजों को डिटेल्स में नहीं बता सकती, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें जो मेन मेन टॉपिक है वो सारी चीजों को हम लोग जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैं बता देती हूँ, हम लोग गोलू के साथ मिले थे 2021 में, ठीक है, 2021 अप्रैल 23 तारीख को मतलब हम लोग फर्स्ट मीट किए थे राउरकेला रेलवे स्टेशन में, और उससे पहले हम लोग इंस्टाग्राम में फ्रेंड थे तो उसके थ्रू हम लोग बात करते थे कभी कभी हाय हेलो करके, ज्यादा तक मैं ही इनसे हाय हेलो करती थी क्योंकि तो बहुत बिजी रहता था, हाँ मतलब ये बिजी रहता था भुवनेश्वर पे तो बहुत ज्यादा बिजी रहता था। हाँ, तो क्या हुआ ना, एक्चुअली उस टाइम ना ये 22 तारीख को रात में ट्रेन चढ़े थे भुवनेश्वर में, और ये भुवनेश्वर में लिखा हुआ था भुवनेश्वर टू रांची करके, ठीक है।
तो मैं इनका स्टोरी देखी तो आप मैं बोली ना भुवनेश्वर में रहते हो क्या, मैं तो सुनी थी आप झारखंड में रहते हो ऐसा करके, तो ये बोला कि नहीं मैं भुवनेश्वर में जॉब करती हूँ, मैं वहाँ पे अपना काम करती हूँ, उसके बाद में आज लॉकडाउन की वजह से मैं रिटर्न रामगढ़ जा रही हूँ, मेरा घर रामगढ़ में है और मैं रांची राउरकेला होके ही जाऊँगी ऐसा करके। तो ये हमको बोले अरे आप तो राउरकेला में रहते हो ना ऐसे करके बोला, तो मैं बोली हाँ मैं तो राउरकेला में रहती, तो आ जाओ फिर मिलते हैं ऐसे करके बोला। तो ये हमको शायद मजाक में बोला होगा, सीरियसली लिया होगा, तो मैं बोली मैं थोड़ा सीरियस होगी, सीरियसली मिलते हैं बोल रहा है लड़का ऑब्वियसली। तो बोले ठीक है मिलते हैं, तो बोले ठीक है आपको ट्रेन कब तक पहुंचेगा राउरकेला, तो ये बोले कि नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे समथिंग पहुंचेगा ट्रेन, तपस्विनी एक्सप्रेस था उसी में आ रहे थे। ठीक है मैं बोले ठीक है फिर अगर इतना टाइम तक पहुंचेगा तो मैं अगर 8 बजे ट्रेन आता है तो मैं 7 बजे से पहले ही पहुंच जाऊंगी, क्योंकि कभी कभी ट्रेन जल्दी भी आ जाता है कभी कभी लेट भी हो जाता है। ठीक है तो फिर मैं अपने भैया विनय भैया के साथ में सुबह नहा वहा के भाई के साथ में हम लोग गए थे फर्स्ट मिलने के लिए गोलू से। ठीक है और मैं फर्स्ट टाइम उस दिन स्टेशन गई थी, स्टेशन में ऐसे बीच में शायद एक बार गई होंगी कभी मुझे याद नहीं है बचपन में, लेकिन वैसे अंदर में जो घुसी थी वो फर्स्ट टाइम में गई थी। और इसका प्लेटफॉर्म नंबर जो आ रहा था वो 4 नंबर में था, उधर से ट्रेन आ रहा था रांची जाने के लिए, तो हम लोग अंदर घुसे और ये था S1 में था शायद, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है S1 में भाई कोई S1 S2 जो भी हो, हाँ उधर ही S1 में ही था उधर, तो मुझे आइडिया नहीं था वो अनाउंस हो रहा है कि S1 यहाँ पे सब कुछ दिखाता है ना ऊपर बोर्ड में वो सारी चीजें। तो हमको फर्स्ट ही वहाँ पे गए थे तो मेरा भाई बोल रहा है अरे इधर जाना है, तो वो इनसे मेरा फोन में बात हो रही थी गोली से, तो ये बोलता है कि हम इधर, बोल रहा है कि हम लास्ट तरफ है, तो हमको लगा लास्ट उधर फर्स्ट वाला जो गाड़ी का फर्स्ट ड्राइवर थे उधर, तो मैं उधर दौड़ कर जा रही हूँ और 5 मिनट मतलब ढूंढते में ही निकल गया हम लोगों का। ठीक है तो फिर 5 मिनट ही टाइम है बोल रहे ज्यादा देर लुके गए, तो फिर हम ना फिर दौड़ के इधर आए, तब ये हमको बहुत दूर में मतलब 200 मीटर दूर में दिखाई दिए कि अरे बाप रे ऐसा कुछ। फिर ये भी दौड़ते हुए हम लोग मिले, बातचीत किए, यहाँ तक हम आपको बताए थे। उसके बाद फिर हम दोनों का फोन में बात करना स्टार्ट हुआ और उस टाइम में मैं नर्स का वो कर रही थी, अरे जो कोविड वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ों को जैसे नाक से करके उसका ये कफ वगैरह लेना वो सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट कर रहे थे, अब उसको साइड में वो चीज़ें मैं करती थी मेडिकल में, जो कुछ नर्स का सीख ट्रेनिंग दिया जाता था कुछ कुछ कोविड कैसे टेस्ट किया जाता है वो सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है तो वो सारी चीज़ें हम करते थे उस टाइम में, और मेरा ड्यूटी का टाइमिंग था 6 बजे से रात को 10 बजे तक, उस बीच में हमको 2 बार खाने को मिलता था, एक सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता था मतलब खाने के लिए हम लोग खुद से जाते थे, और मतलब दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम कभी भी लंच कर सकते हैं 1 घंटे के लिए मेरे को छुट्टी मिलता था। तो उसी बीच में हम दोनों को फिर बात उत होने लगा, उसके बाद फिर रात को मैं 10 बजे आती थी तो खाती थी तो उस टाइम बात होता था, और उसके बाद फिर रात को कभी कभी 11-12 एक भी बज जाता था, कभी 2 भी हो गया होगा उतना आइडिया नहीं है, लेकिन 1 बजे तक 11-12 बजे तक बात, हाँ कभी कभी 1 बज जाता था ऐसा बात तो होते रहता था। और रीजन ये था कि और फिर मैं 1 बजे तक बात होता था 2-3-4 मैं 4-5 घंटा सोती थी मैं, हाँ और फिर सुबह 6 बजे उठ के मैं फिर ड्यूटी जाती थी। उस टाइम एक होता है ना मतलब डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा वाला, और कहीं ना कहीं मेरे को किसी की ज़रूरत था उस टाइम में, उस टाइम इनका भी सेम सिचुएशन ही था कि मतलब आई थिंक आप लोग समझ ही सकते हो कि अभी बोलना ठीक तो नहीं होगा क्योंकि हमारा ये वीडियो शायद फैमिली भी देखते, शायद नहीं पूरा फैमिली देखते हैं, इनकी फैमिली मेरी फैमिली, बट इट्स ओके यार सबका एक पास्ट होता है, तो खुल के बताएं क्या। हाँ मतलब देखो फैमिली भी देखते हैं, ऐसे नहीं है कि आजकल जैसे जमाना है ऐसे नहीं, मेरा भी इनसे पहले कोई था जिनको मैं मतलब हाँ था कुछ प्यार वार था ऐसा कुछ, तो फिर डिप्रेशन देन कुछ रीजन से हम दोनों का फिर उसी टाइम ही ब्रेकअप हो चुका था, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी उस टाइम, और मुझे मैं उसकी वजह से मतलब मेरा कोई दोस्त वोस्त भी नहीं था, मतलब ऐसा था कि दोस्त वोस्त से भी दूर रखता था कि दोस्त नहीं करो लड़की नहीं लड़का नहीं ऐसा, तो मैं एकदम अकेले हो गई थी जब वो लड़का छोड़ के गया, तो मैं पूरा टूट चुकी थी, इसलिए मैं सोती नींद लगता नहीं था ऐसा, मैं बस डर लगता था, इसलिए मैं सुबह ड्यूटी जाती थी रात को 10 बजे आती थी, और 10 बजे के बाद इनसे मैं 2-3 घंटे बात करती थी, क्योंकि मेरा जिस टाइम मैं फेस कर रही थी उस टाइम सेम इनका भी वही सिचुएशन था। बताओ अपने बारे में, अपना पास्ट के बारे में थोड़ा सा, हंस के लिए बताओ पास्ट पे याद करे क्या ही करे, अरे तो डिटेल्स में नहीं बताओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ क्या क्या हुआ क्या नहीं। चलो बताओ तुम अपने पास्ट के बारे में, शुरुआत करेंगे डिटेल्स में बताएंगे तब ना उन लोगों को भी पता चलेगा। पूरा डिटेल्स में तो नहीं बोल सकते हैं, बट इतना बोल सकते हैं कि उस टाइम मतलब जब हम लोग बातें कर रहे थे और मिले थे तो उस टाइम इसका भी जो भी था फास्ट में बोल सकते हैं, तो उनका मतलब इनका भी ब्रेकअप हुआ हुआ था, और मतलब मैं जिससे बात करता था मतलब जो भी प्यार वगैरह जो भी करता था, तो उनका मतलब शादी होने वाला था
और इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया था। तो आपको भी पता होगा कि ब्रेकअप होने के बाद हर किसी को दुख लगता है, सैड लगता है। तो मैं जो अगर फेक वाला कर रहा है ना, तो उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी से अगर हार्डली वाला लव हो जाता है तो हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है। बस किसी से बात उत करने का मन नहीं होता है, बहुत परेशान रहने लगते हैं हम लोग, टेंशन में रहते हैं। मतलब कोई एक चीज का आदत रहेगा, वो चीज जब अचानक से आदत छूट जाता है तो तकलीफ तो होता है। तो इस बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पास्ट के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग पास्ट से निकल के अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। बस इतना ही क्यों बता रहे हैं ये चीजें को आप लोग को, क्योंकि हम लोग पूरे डिटेल्स में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन था कि हम लोग को, मतलब इनको भी एक ऐसा चाहिए जो इनको समझे, और मेरे को भी एक ऐसा चाहिए था कि मतलब समझो, और हम दोनों का सेम टाइम में ब्रेकअप हुआ था। हम लोग जब पूछते हैं ना कि तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ, ये हम लोग तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ, तो हम दोनों का सेम टाइम में ही ब्रेकअप हुआ था। कि हम लोग जब भी मतलब बातें करते थे तो एक दूसरे से बस बातें शेयर करते, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब हम दोनों बस एक अच्छे फ्रेंड, अच्छे भी फ्रेंड नहीं बोल सकते, बस नॉर्मल फ्रेंड थे। कि अरे यार ये लड़का के साथ, बस मेरे को बस ये था कि हम अकेले ना पड़ जाए। जैसे ड्यूटी से तो हम आते थे तो एक होता है ना डर, अकेलापन, वो हमको सताता था, और इनका साथ भी सेम वही होता था। तो फिर दिन में ये भी घूमते थे अपना इधर रामगढ़ आने के बाद, फिर हम दोनों, फिर जो बात होता था हम लोग का एक रात में ही बात होता था। अगर बीच में कभी अगर दो मिनट की, एक मिनट की, अगर मैं वीडियो कॉल कर दूं क्या कर रहे बोल के, तो मैं क्लिनिक में रहती थी तो मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाती थी, तो मैं इनका फोन कट कर देती थी, ऐसा होता था। तो थोड़ा बहुत था उस टाइम, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्डली वाला वो हो गया था, मतलब क्या दिमाग से वो चीज नहीं जा रहा था, इसलिए हम लोग बात किए, फिर ज्यादा बात नहीं किए हम लोग। लगभग जैसे अप्रैल से हम लोग का बात होना स्टार्ट हुआ था, 23 अप्रैल से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने अप्रैल, मई, जून तक बात किए थे। उसके बाद कुछ हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर किसी के लाइफ में अगर फ्रेंड है तो उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट होता है ना, बस वैसे ही हम दोनों का लाइफ में भी कुछ हुआ तो उस चीजों के बारे में हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते थे। उसके बाद फिर एक दिन सडनली मेरा पापा मम्मी जो है वो लोग, मतलब मेरा सिस्टर को भेज दिए थे कि जहाँ पे मैं रहती थी, हम लोग राउरकेला में रहते थे रेंट में, फैमिली के साथ नहीं, फैमिली मेरा गांव जा चुकी थी, वहां पे रहते थे गांव में, और मैं जहाँ पे रहती थी तो मेरे सिस्टर लेने के लिए आ रही थी कि चलो गांव करके। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फैमिली को फिर पता चले कि मैं मतलब लड़का वड़का के चक्कर में मतलब इधर रो रही हूँ, धो रही हूँ, ये सारी चीजें मैं नहीं भी चाहती थी। और मैं ऐसा हो भी गई थी कि मैं किसी को, जिसके सामने भी मैं मतलब रो देती थी, किसी को बार देख रही, कोई कपल जा रहा है तो मैं इस हद तक रो देती थी, तो ऐसा मैं नहीं चाहती थी उधर। तो फिर एक दिन गोलू से लास्ट नाइट हम लोग बात किए, यार कल मेरा फैमिली आ रही है हमको लेने के लिए, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम जाना ही नहीं चाहते रिटर्न गांव, हम जो है जैसा है यही है, हम कुछ तो करेंगे। और मैं भुवनेश्वर, मेरा जहाँ पे मैं भुवनेश्वर के लिए नर्स के लिए की थी, और उसका डेट जो था वो और डेट बढ़ गया था लॉकडाउन की वजह से, और उसका बोला था कि 1 मंथ में आपको डेट बता दिया जाएगा कब आना है बोल के। तो ये बोले कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसे दिक्कत है तो आप इधर रांची तरफ आ जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड हूँ तो इतना तो हेल्प कर ही सकती हूँ, मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है, बोल रहती है रांची में लोग के साथ, पर रह लो कुछ दिन के बाद आपका डेट आएगी तो मैं भी तो भुवनेश्वर में भी वहाँ पे ही काम करती हूँ, तो आपका भी भुवनेश्वर में ही नर्स करने के लिए जाना है तो अच्छा है ना, फिर हम दोनों साथ में फिर चले जाएंगे ट्रेन में, ऐसा करके। तो मैं बोले ठीक है। सडनली फिर ऐसा होता है ना, मतलब किसी पे अचानक विश्वास कैसे कर सकते हैं, हम लोग 1.5 महीना ही तो बात किया था, लेकिन पता नहीं इनमें ऐसा क्या था, मतलब विश्वास करना ही पड़ा, और इनको भी मतलब शायद कुछ क्या दिखा था मेरे में जो विश्वास कर लिए। विश्वास का बात नहीं है, एक्चुअली क्या था ना, मतलब एक दूसरे को समझते थे, और इनका कहना था कि हमारे फैमिली वाले लेने के लिए आ रहे हैं, तो अगर मैं चले जाती हूँ घर तो मैं आगे का फिर पढ़ नहीं पाएंगे, भुवनेश्वर जाने का बस मेरे को मतलब ये चीज़ था, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये था। इसलिए मैंने बोला ना कि ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम आ जाओ रांची, बाकी मैं इंतजाम कर दूंगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर दूंगा तो सिर्फ मेरा ही पॉकेट का रहेगा, ये यहाँ तक भी बोले थे, आज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मेरे को दे देना, मैं तुम्हारा दे दूंगी, अगर कल तुम चले जाओगे तो वहां जाने के बाद तुम हमको दे सकती है रिटर्न। आज फ्रेंड, हम लोग फ्रेंड का एक फ्रेंड से कैसे मदद लेते हैं फिर मदद देते हैं, वो चीजें था। फिर हम लोग, फिर मैं रांची चली गई, रांची में इनका एक फ्रेंड है, मैं रुपेश पटेल को जानते हो ना, उनकी मतलब एक फ्रेंड है, लड़की फ्रेंड यहाँ पे रहती है, उनकी गांव तरफ सी है, तो उनके साथ मेरे को वो रख दिया था, ठीक है, आप पूछ भी सकते हो। और जो शायद वो जिनके साथ मैं रहती थी उनको मैं दीदी बोलती थी, तो दीदी के साथ मैं उनके साथ रहती थी, उनका रूम रेंट के साथ में, मतलब हम लोग साथ में ही रहते थे। फिर ऐसे क्या हुआ ना, फिर लॉकडाउन जो था मतलब घटने के जगह एक ही वजह से पूरा बढ़ा दिया, और 1 महीना का बढ़ा दिया, तो मैं तो रांची में फंस गई ना, फिर ये भी ड्यूटी भी नहीं जाती, फिर रामगढ़ में रहते थे, ऐसा होता था।
तो बहुत ज्यादा मतलब मैं यहाँ पे ना रिटर्न मतलब राउरकेला जा सकती हूँ, ना रिटर्न भुवनेश्वर जा सकती हूँ, और रांची से मैं कहीं जा ही नहीं पा रही। मतलब ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे। तो मैं कभी कभी गोलू आता था, लॉकडाउन था, घूमने उमने कहीं इतना नहीं, तो कभी कभी क्या होता था ना, गोलू आता था रांची तो हम लोग जाते थे। ऐसे नहीं कि हम लोग कपल से जैसे अकेले घूमे, वैसे बिल्कुल भी नहीं। रुपेश में गोलू हम तीनों ही घूमते थे। फर्स्ट टाइम हम लोग पतरातू डैम हमको लेके गए थे और घूमने के लिए गए थे वहां पतरातू डैम में। हम लोग वहां पर थोड़ा बहुत घूमे, ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल जैसे फ्रेंड हम लोग कैसे ऐसे ही घूमना फिरना हम लोग का होता था। तो ऐसे ही ना मतलब मेरे जो देवर है, तो मैं स्टोरी और ये नहीं डालता था लेकिन मैं डाल देती, जो अभी फिलहाल में देवर है मेरा रोहित, वो घर में बता दिया कि गोलू का किसी के साथ मतलब ऐसा मतलब ये डालती है लड़की है ऐसा वैसा करके वो बता दिया था। रोहित हमसे बात भी करता था उस टाइम में मैसेज में इंस्टाग्राम में, अच्छा आप मेरा भाई के कौन हो, गर्लफ्रेंड हो, क्या हो, ये हो। तो मैं बोले फ्रेंड हो, तो उनको लगता ही नहीं था। और मैं जान के मतलब स्टोरी डालती थी इनके साथ में ताकि जो मेरा पास्ट है वो देखे तो उनको थोड़ा सा मतलब जलस हो कि लड़की मतलब इतना जल्दी चेंज कैसे हो गई या बदल कैसे गई, ये था मेरा मानना। और मैं डालते ही रहती थी और फिर ये नहीं डालता था इसका कुछ ही नहीं। लेकिन फिर बाद में ना सच में इनका घर वालों तक बात फोन कर, यहाँ तक मैं तो भूल गई थी कि मेरा भी फैन इंस्टाग्राम में है करके। तो मेरे सिस्टर अलीसा के थ्रू, वो देखती भी ब्लॉग है, अलीशा के थ्रू मेरे घर में पता चला कि मनीषा मतलब किसी और के साथ कहाँ है, क्या है, यहाँ पे तो राउरकेला से वो चली गई है और कहाँ है क्या है। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है, सबको ये पता था कि मैं भुवनेश्वर में हूँ, बट आज उन लोग को पता चल रहा हूँ। बाकी मेरे को ये फ्रेंड के हिसाब से यहाँ रहते थे, देन इनकी मम्मी को पता चला, ठीक है। और तो इनकी मम्मी पूछने उछने लगी बहुत कुछ, मतलब ऐसा हुआ फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हुआ, चीज़ों का हम नहीं बता सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इस हद तक प्रॉब्लम हो गया था कि मतलब नहीं बता पा रही हूँ चीज़ों को लेके। तो ये नहीं बोलूँगी सिर्फ इनका फैमिली, हम दोनों का फैमिली तरफ से ही प्रॉब्लम हुआ था, ज़्यादा तो इनकी तरफ से हुआ था, मेरे तरफ से भी हुआ था। लेकिन फिर हम लोगों ने उस चीज़ों को ज़्यादा मतलब नहीं किया। उसके बाद ना फिर गोलूर में डिसाइड किए, यार देखो ना हम लोग तो ऐसा कुछ हम दोनों का बीच में है नहीं, ना हम दोनों अच्छे मतलब बेस्ट फ्रेंड है, ना हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ना हम दोनों के लिए कुछ ऐसा मन में फीलिंग्स है, बस एक नॉर्मल हम लोग फ्रेंड है और तुम फ्रेंड के नाते मेरे लिए मदद किया, और फैमिली कुछ और ही समझ रही है कि हम दोनों मतलब ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये सारे चीजों को लेके। तो फिर हमारा कहना है जब कुछ है ही नहीं और ये सब इतना कुछ मान रहे हैं ना, तो चल उस चीज को करके ही दिखाते हैं। तो ये था। और हम लोग ने सच में मतलब सच में 1.5 महीना हम लोग एक दूसरे को जानते थे, मतलब 1 महीना हाफ मतलब 1 महीना 15 दिन आसपास जानते थे, ठीक है, 1.5 महीना। उसके बाद हम लोग ने डायरेक्टली ना ये मैं इसको मतलब डायरेक्टली हम दोनों ना मतलब डायरेक्टली शादी ही किया ना, हम लोग एक दूसरे को जानते थे ये कौन सा, बस इतना जानते थे कि साहू है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बिहारी है, मतलब इतना तक से नहीं पता था कि ये बिहारी है करके, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया था। तो मतलब वो चीज़ों को हम नहीं बता रहे हैं कि फैमिली में, नहीं चाहती हूँ कि वो हमारा फैमिली की चीज़ें हैं, तो मैं बस फैमिली में ही रखना चाहती हूँ और हम दोनों का जो चीज़ें है वो बस वो चीज़ें हम आप लोग को बता रहे हैं। तो बहुत दिक्कत हुआ था, हम लोग ने डायरेक्टली शादी ही कर लिया, और शादी करके हम किसी को बता, जब इतना कुछ हो ही गया था ना कि मतलब मेरा फैमिली वालों को गलत फहमी हो गया था कि मतलब इनसे मेरा कुछ चल रहा है, इनके फैमिली को गलत फहमी हो गया था कि मतलब इनसे इसका चल रहा है, मतलब इस हद तक दोनों फैमिली में हो गया था और बहुत ज्यादा हो गया था, बढ़ गया था बात। तो इसलिए फिर हम लोग ना ये चीजों को सच ही कर दिए, जाओ जो करना है कर लो, अब हम करके ही रहेंगे शादी। तो ये वाला हो गया था और हम लोग कर भी लिए थे शादी। शादी करने के बाद हम लोग भुवनेश्वर चले गए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था। और उस टाइम ठीक लॉकडाउन भी था और लॉकडाउन की वजह से बहुत उस टाइम थोड़ा सा लॉकडाउन, शादी करने के बाद हम लोग साथ में भी नहीं रहते थे, सच बता रही हूँ। शादी होने के बाद ये इनका ही घर में रहता था और मेरे लिए गोलू फिर रामगढ़ रानी बाग में एक रूम लेके रख दिया था, जो सिंगल से एक रूम था उसमें मैं खुद बनाती थी, खाती थी, पीती थी। और उनका जो फ्रेंड है आकाश नाम करके, आकाश क्या है, आकाश साहू, हाँ तो आज मैं वो चीजें बता रही। तो आकाश भैया जो इनके बचपन का दोस्त है, तो उन्होंने ही मेरे को बर्तन उर्तन ला के दिए थे और सोने के लिए चटाई वो सब इनके साथ ही ला के दिए थे। ये अपना घर में रहता था, शादी होकर मतलब हम लोग साथ में ही नहीं रहते थे ऐसा, ये अपना घर में था। मैं को जहाँ रूम दिला था वहाँ कभी कभी सब्जी खत्म हुआ तो अला देता था, या फिर मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा घूमने जाना है तो बस माया टुंगरी ही लेके जाना आना होता था, ऐसा हुआ। फिर ऐसा डेली डेली मतलब कभी कभी होता था ना, डेली डेली आना जाना हुआ, कभी 1 वीक में 2 बार आना जाना हुआ, तो ऐसा मैंने शक होने लगा घर वालों को और जब ये चीज़ों को लेके। तो एक होता है ना, तो फिर मम्मी बोली कि मतलब यहाँ पे कैसे रहोगे, दिक्कत मतलब इधर का जो मानना बहुत मतलब बहुत ही क्या बताऊँ ना, मतलब इधर क्या बताएंगे इसमें,
अरे मतलब सब तरफ एक होता है ना अलग अलग, जैसे मेरा उधर भी ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होता, गांव में भी एक लड़का लड़की को अगर कोई बैठ के भी जा रहा है तो नेगेटिव थिंकिंग बना लेता है कि पता नहीं उसके साथ क्यों बैठ के जा रही है, रिलेशन दे देता है कुछ भी, तो इनका तरफ भी ऐसे ही कुछ था। तो हम लोग भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर जाने के बाद ना रूम भी नहीं मिल रहा था, एक छोटा सा रूम मिला जिसका दाम था 5,000 रुपये, वहाँ पे हम लोग दिए। फिर जहाँ पे ये काम करता था ना उसका मालिक बोला ना कि हम दोबारा काम में नहीं रखेंगे, तुम लड़की लेके आई है ऐसा वैसा दिश जाट मतलब पूरा बोलने लगा। तो फिर बहुत दिक्कत होने लगी और मेरा हॉस्टल तब भी नहीं खुल रहा था लॉकडाउन की वजह से, बस मार्केट ही थोड़ा बहुत खुला था और स्टडी वगैरह कुछ नहीं हो रहा था कोविड की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हुआ, फिर हम लोग को ना खाने पीने के लिए दिक्कत होती, इसका घर वाले बोला ना कि क्यों वहाँ रह रहे हो, यहाँ पे रिटर्न आ जाओ रामगढ़ में। तो फिर रामगढ़ में मेरा सास और मेरा देवर लोग ही इधर परसोतिया साइड में रूम ढूंढ दिए थे, फिर हम लोग उधर ही रहते थे गोलू के साथ में। फिर अक्टूबर 15 तारीख को हम लोग वहाँ पे परसोतिया में थे 2-3 महीना शायद, उसके बाद अक्टूबर 15 तारीख को हमारा गृह प्रवेश हुआ, क्योंकि हम लोग शादी कर चुके थे तो दोबारा शादी नहीं होता, गृह प्रवेश हुआ इनका। फिर इनका मतलब घर में मेरा पहला गृह प्रवेश, आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे तरफ उधर ऐसा होता नहीं है। तो गृह प्रवेश उसी दिन 15 अक्टूबर का था मेरा, फिर अंदर जाए उसके बाद फिर बीच में तो गैस फिर हम लोग को मतलब ऐसा होता था, मोहल्ले वाले भी बोलते थे कि मतलब कैसे वैसे बहुत कुछ जैसे, और इनका तो फर्स्ट क्या मतलब फर्स्ट रिश्तेदार मतलब क्या होगा मतलब पूरे खानदान में शायद पहली बार आपसे शादी किए होंगे। अरे बताओ ना इस तरह से क्या करते हो, मतलब ऐसे तो कोई शादी नहीं किया जैसे मैं किया था। तो और गृह प्रवेश होने के बाद क्या था ना कि मतलब मनीषा उस टाइम प्रेगनेंट भी हो गई थी, मतलब प्रेगनेंट थी, तो उस टाइम क्या था कि कुछ भी काम वगैरह नहीं कर पाती थी घर में, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता ना मतलब इतना नींद आता था मेरे को और उल्टी मतलब इतना होता था कि मैं बता नहीं सकती, और मतलब इनसे भी मेरे को बदबू आती थी, इस हद तक बदबू आती थी और मेरे को इतना चक्कर आता था, मैं पूरा कमजोर हर चीज से बदबू आता था, कुछ खा नहीं पाती थी, ठीक से काम वगैरह नहीं कर पाती थी। तो फिर जैसे कि मैं नई नई जैसे शादी करके बहुत आता था, मैं सब सोते रहती थी तो, और फिर नई नई हम लोग का फिर गृह प्रवेश हुआ था मतलब। तो ये चीजें था ना कि मतलब सास भी तो बोलेगी ना कि कैसे बहू है खाली सोई रहती है दिन भर, एक होता है ना फैमिली वाले भी बोलेगे कि कैसे सोई रहती है कुछ काम होते नहीं, लेकिन उन लोग को मैं बोलती थी कि यार मेरा ऐसा वैसा है, तो एक होता है क्योंकि वो लोग बहुत पहले से उस चीजों को लेकर चलते हैं कि हाँ हम लोग भी तो प्रेग्नेंट हुए थे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हुआ था। तो मतलब हम लोग को फिर उस चीज में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी मम्मी और मेरी बहुत कुछ, और इनसे गोलू का भी हो जाता था, तो घर में भी बहुत ज्यादा वो सिचुएशन बढ़ने लगा, और बीच में देन मिसकैरेज का भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ब्लीडिंग होने लगा अचानक से रात का टाइम मेरा, और फिर मेरे को गोलू और मेरा ससुर जी मेरे को ऑटो में लेके फिर गए, और उस दिन जानते हैं आरती दीप्ति जो रामगढ़ वाले वो भी मेडिकल बंद था, फिर हम लोग को संतना हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ से मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, फिर सारा कुछ हुआ, तो डॉक्टर बोले कि एक काम करो उसको मतलब हटा दो या फिर रखो कि तो अपाहिज बच्चे भी हो सकता है, मतलब इस लेवल तक बात पहुँच गई थी। तो मैं बोली कि नहीं भगवान का देन है, वो जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, बट उन्होंने दिया है तो मैं ऐसा कुछ भी अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, ये सारे चीज़ें मतलब हो गई थी, मतलब मैं बोल नहीं पा रही, बहुत सच में बहुत ज़्यादा हार्टफुल था मेरे लिए, अभी भी मैं सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मेरे को। फिर हम लोग को मेरे को पूरा 1 वीक का पूरा बेड रेस्ट दिया गया था, तो जाने के बाद होता है ना मतलब फिर मम्मी के साथ मेरा कुछ कुछ कहा सुनी हो जाती थी, तो मैं नहीं सह पाती थी इस चीज़ों को लेकर कि यार अभी अभी तो मेरा वैसा हुआ है और मतलब तकलीफ होता था। तो फिर हम दोनों ने फिर अलग रहने का डिसाइड किया। तो देखो एक टाइम ऐसा था जो घर वाले नहीं साथ दिए थे ये चीज़ों को लेके, कि जब हम लोग घर से जब रामगढ़ में मम्मी लोग के पापा लोग के साथ रहते थे तब बहुत ऐसे दिक्कत हुआ था, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ था, उस चीज़ों को मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बस हर फैमिली में थोड़ा बहुत होता है, तो वैसे हमारे में भी हुआ था। तो हम लोग फिर अलग रहने लगे थे, फिर वहाँ पे रानी बागी में ही फिर हम लोगों ने रूम लिया, फिर वहाँ पे रहने लगे। उसके बाद हमारे पास सोने के लिए भी चटाई नहीं था, मतलब चटाई खाने के लिए क्या सोने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मेरे पापा लोग को फ़ोन की मैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसे हुआ है, तो पापा लोग आज नहीं कल उसका परसों दिन शुक्रवार का दिन इधर रामगढ़ में ट्रेन आता है, मतलब डेली डेली रामगढ़ वाला ट्रेन नहीं रहता है, तो वो वाला ट्रेन में पापा लोग मेरे मतलब मायके से चावल और कपड़ा उपड़ा, जैसे ठंड का टाइम था छठ पूजा का टाइम था और पेट में मतलब मैं प्रेग्नेंट थी और घर से मतलब हम लोग बाहर मतलब समझ रहे घर वाले भी मतलब लड़े वड़े हुआ तो बाहर रहने लगे थे, तो इनके पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम और ना ही उनके पास मतलब अच्छा जॉब मतलब कुछ भी नहीं था।
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। फिर पापा लोग ला दिए थे तो उसी से फिर खाना पीना, और फिर जिस दिन हम लोग घर छोड़े थे उस दिन पापा 2000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करवाए थे किसी से, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा छोटा वाला फ़ोन पकड़ते थे तो वो खुद नहीं कर सकते, तो कहीं से वो करवाए थे। फिर उनके बाद से हम चटाई और दो छोटा छोटा रजाई लिए थे और एक छोटा वाला गैस लिए थे और थोड़ा सा खाए थे, और दूसरा दिन दुकान से उधारी लेके हम लोग खाए थे। फिर दूसरा दिन पापा लोग आए थे तो ला दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही फिर ये डिलीवरी का काम उस टाइम करते थे, कहाँ पे बोलो, इकोम एक्सप्रेस में करते थे। आगे का बताओ। मैंने तो इकोम एक्सप्रेस में काम करते थे जब ये प्रेग्नेंट थी, और हम लोग जब घर से अलग होने के बाद बाहर जब रह रहे थे उस टाइम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था, बहुत इतना क्रिटिकल था ना कि मतलब बहुत प्रॉब्लम था हमेशा, पता है बहुत किसी को हम लोग हाथ खिलाते थे कि पैसा मांगते थे, मतलब मेरा फैमिली के पास तो उतना जॉब है नहीं कि वो लोग देगा, लेकिन फिर भी वो लोग दूसरे से मांग के दूसरों से करवाता था, लेकिन बार बार मांगना भी अच्छा नहीं लगता था। और इनके पास ये अपना दोस्त लोग को भी पैसा मांगता था, कुछ है फेक दोस्त जिनका हम लोग बारे में नहीं ही बोले तो अच्छा है, तो मतलब वो लोग नहीं देता था। और मतलब मैं मेरा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी पैसा नहीं होता था, और पैसा ऐसा चीज है कि कभी भी कोई हेल्प नहीं करता है, शायद ही कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो देता है, लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है कि पैसा मांगने में हर कोई बदल जाता है, ये तो भाई आप लोगों को भी पता होगा। तो मतलब इस हद तक था, और प्रेगनेंसी पेमेंट को इतना उल्टिया होती थी कि मैं कुछ खाती भी नहीं थी, पीती भी नहीं थी, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, भाग दौड़ इतना ज्यादा करते थे जब मतलब हमेशा इसका चेंज होते रहता था हार्मोन्स वगैरह, कभी कुछ होता था काम छोड़ के आना, फिर इसको देखना, फिर दौड़ के काम करने जाना, फिर आना, रात को 8 बजे तक काम करते थे, कभी 7 लेट होता था, इसको देखते थे, काम को भी देखते थे, बहुत कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम हुआ है बोल के। तो उसके बाद लगभग 3 या 4 मंथ के ना 6 मंथ के बाद ये मतलब 6 मंथ प्रेगनेंट कंप्लीट होने के बाद गांव मतलब चली गई थी अपने। 6 मंथ नहीं, मेरा 8 मंथ आने वाला था। अच्छा 8 मंथ आने वाला था, उस टाइम गांव चली गई, तो हम भी इसके साथ ही गांव गए थे, वहां हाँ, पे हमने 1 मंथ 2 मंथ वहाँ पे रात में मतलब मेरा 8वां महीना आने वाला था, इसी गांव में इसी के साथ रहे थे मतलब इसके। तो फिर मेरे को लेके ना यहाँ पे देखभाल करने वाला कोई है तो जैसे कि हमारा उस टाइम उधर मम्मी लोग से मतलब थोड़ा अनबन चल रही थी सास से, तो फिर हम लोग फिर यहाँ मायके आ गए। फिर मम्मी हमारे उधर ना एक माँ गुरु होकर के है, पता है जब प्रेगनेंट लेडीज लोग को जब 9 मंथ होता है ना तो हमारे ओडिशा में रखा जाता है, तो जैसे कि उड़सू और बिसरा तो पास में है, तो बिसरा का माँ गुरु साथ जो जो देख रहे हैं उनको पता होगा, तो वहाँ पे मैं थी, वहाँ पे 1 मंथ पूरा थी मैं वहाँ पे, मतलब सब कुछ अच्छे से देखभाल, खाना पीना सब कुछ भी होता था, तो उधर से वो लोग लेता था आता था। और जिस टाइम मेरा डिलीवरी होने वाला था उसका ठीक 10 दिन के बाद ये घर आ चुका था रामगढ़, और उस टाइम मेरा मम्मी ना मेरा मम्मी को थोड़ा सा पैरालिस टाइप का हो गया था, मतलब वो चलने बुलने नहीं सक रही थी उसी टाइम, मतलब 1 साल से वो बिस्तर में थी ना बोलूँ मेरा पूरा प्रेगनेंसी का जर्नी में, तो देखने के लिए भी नहीं आई थी। और उस टाइम मैं जब माँ गृह में थी ना तो मेरा मम्मी मतलब थोड़ा थोड़ा चलने सक रही थी, और उसको ठंडा वरना पानी से छूना बिल्कुल ही मना था। तो जब मेरा डिलीवरी हुआ ना उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था सिवाय मेरे मम्मी के, था कोई भी नहीं था उस टाइम। एक होता है ना मम्मी मतलब कपड़ा उपड़ा जैसे बाबू मतलब होता है तो देते हैं ना, क्या था जैसे कि जहाँ पे ये रुकी हुई थी मागुरु, तो उन्होंने बोला क्या कि ये मनीषा का डिलीवरी होने वाला है, तो मैं तुरंत फिर आ गया था इनके पास रामगढ़ से, तो फिर जब मैं वहाँ गया तो फिर फेक लेबर पेन था मतलब, तो फिर डॉक्टर बोले कि मतलब नहीं अभी नहीं होगा और टाइम लगेगा, तो और फिर लगेगा, हाँ। मैं काम करने वापस फिर रामगढ़ चला गया, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए ना, क्योंकि मान के चलो अगर मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती ऑपरेशन में तो ऑपरेशन में भी तो पैसे चाहिए होता है, मैं अपने मम्मी पापा से कितना मांगती, क्योंकि मेरा मम्मी का भी जस्ट पैरालिस हुई थी ना तो मेरा मम्मी का भी बहुत खर्च हो गया था उसमें, मतलब बहुत ज्यादा ही खर्च हो गया था, तो मेरा फैमिली और ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर पाते पैसे के लिए कि मेरे को भी मतलब कहीं ना कहीं से तो कर देते, लेकिन फिर भी इनका तो फर्ज बनता था ना। तो ये ना रामगढ़ फिर काम करने के लिए वही डिलीवरी का काम ही करते थे, इसलिए वो रामगढ़ ही आ गए थे। फिर मैं वहाँ पे जब मेरा डिलीवरी हुआ जब उस दिन जिस दिन मेरे को पेट दुख रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो उस दिन ना गोलू और मेरा कुछ बातों में लड़ाई हो गया था, मतलब 9 तारीख रात को हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई था, बात उतनी है तो मतलब एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए थे, मतलब प्रेगनेंसी में से होता ना हॉर्मोन्स वगैरह चेंज, तो मैं कुछ भी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ती थी मतलब उस टाइम, तो मैं ब्लॉक कर देती थी, मतलब इनसे बात उतनी ही हो रहा था। फिर रात को मेरे को 10 बजे एडमिट किया गया बिसरा मेडिकल में, ठीक है हाँ। तो फिर वहाँ पे फिर रात को 2 बजे बहुत ज़्यादा दर्द उठा था, बट वो लोग बोले कि नया है, बोला कि अरे तो नुआ इधर रास्ता खुली नहीं, मतलब वो बोले कि अभी तो नया है, लड़की का फर्स्ट है वो, मतलब डिलीवरी में होने में टाइम लगेगा। फिर सुबह डिलीवरी हुआ 7:55 में, ठीक है। और उस टाइम ना डायरेक्टली ये सन ड्यूटी में थे ना, डिलीवरी कर रहे थे, तो मेरे पापा ना फ़ोन किए इनको कि हेलो अजय ऐसा करके, हेलो अजय तेरा बाप आया है ऐसा करके, मेरे पापा मेरे मजाक करके ऐसे बोले है अजय कहाँ है तेरा बाप आया है यहाँ पे ऐसे करके, मेरे पापा तो घर पे हैं इधर ऐसे करके बोल रहे हैं। तो मेरा पापा बोला
अरे तुम्हारे पापा नहीं मतलब मनीषा का डिलीवरी हो गया, लड़का हुआ है, ऐसा करके बोले थे। तब जाके इसको पता चला कि अरे हो गया, तो फिर ये हमको ना फोन किया कि कैसी हो, नॉर्मल हुआ मतलब वो सारी चीजें। तो हमको बाबू का फोटो मांग रहे कि सुनो ना हमको फोटो देखना है, देखो वीडियो कॉल बार बार कर रहे हैं। हम बोले पहले मुँह दिखाई के रसम दो फिर मैं दिखाऊंगी, ऐसा था। फिर मैं नहीं दिखा रही थी, फिर जाके मेरे को पहले 500 भेजे, बाबू का मुंह दिखाई, उसके बाद फिर मैं इसको दिखाई, उसके बाद डिलीवरी का मेरे को 20 दिन के बाद मेरे को लेने के लिए आया। और उसी टाइम आ रहे थे, लेकिन ये बोले कि नहीं तुम वहाँ पे अच्छे से पता होता कर लो, क्योंकि फिर जाएंगे तो रूम लेने के लिए। क्योंकि हाँ। फिर ये चीजें था, फिर एक ही बार लेने के लिए ना, तो इसको थोड़ा काम करने के लिए उस टाइम पैसे भी तो चाहिए ना, तो शुक्र है कि नॉर्मल हो गया तो पैसा कुछ तो बच गया ना। फिर भी मेडिकल में थोड़ा बहुत पैसा लगता है, 1500 तो मम्मी पापा दे दिए थे, जो जो गंदा कपड़ा सब साफ कर देते हैं, मतलब वो सारी चीजों को बच्चा को जो पोछा पोछी भी करते हैं, वो चीजें तो दे दिए थे मम्मी को। तो फिर 20 दिन थे हम मायके में, उसके बाद फिर हम लोग ना मतलब 20 दिन के बाद हमको रामगढ़ ले गए, फिर अलग रेंट में उस टाइम रहते थे, फिर इसको क्या है, फिर रामगढ़ में हमने एक नया रेंट लिया, वहाँ पे इसको रखे। और बाबू मेरा सिर्फ 20 दिन का था, 20 दिन का बाबू था। हाँ, उसके ठीक फिर हम लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, कपल लोग को वीडियोस बनाते अर्निंग होता है, तो फिर हम दोनों ने डिस्कस किया क्योंकि क्यों ना हम लोग भी इस चीजें को बनाया जाए, क्या पता हम लोग अभी कुछ अर्निंग होने लगे। तो फिर हमने इस बात को डिसाइड किया, एक साल लगा हम लोग को है ना, एक साल लगा उसके बाद सोचे। उसके बाद ठीक अगला मंथ मेरा बर्थडे था 18 जुलाई को, उसके बाद 18 जुलाई मेरा बर्थडे जिस दिन था उसने हमने सोचा कि उसी दिन से हम लोग ना ट्राई करते। उसके बाद अपने दोस्त लोग को बुलाया, माया टुमरी गया साथ में, सेलिब्रेट वगैरह किया, और उसी दिन से फिर हम लोगों ने ना ये व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करते थे, फिर ऐसे ही होते होते कभी कभी व्लॉग वगैरह डाल। हमारा फर्स्ट व्लॉग था मेरा बर्थडे से स्टार्ट किया था, तो गाइस हमने मतलब लगभग YouTube पे फर्स्ट वीडियो 18 जुलाई को दिया डाला। उसके बाद लगभग लगातार हमने कंटिन्यू काम किया एक मंथ, और लगभग 20 या 25 दिन लगा होगा, और हमारा चैनल वोटली ओनली वन मंथ में मोनेटाइज हो गया, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि हमने एक महीना मेहनत किया और उसका फल भी हमें बहुत अच्छा मिला, और हमने लगातार एक महीना काम किया और हमारा फर्स्ट पेमेंट भी आ गया वो भी वन मंथ में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ इस बात को। उसके बाद हमने रेगुलर काम करना इस चीज को कंटिन्यू रखा, उसके बाद ब्लॉग बनाने लगा। और जो हमारा फर्स्ट सैलरी आया था ना उसी से ना हम लोग ने सबसे पहले ना टीवी लिया था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि एक यादगार रहे, तो हम लोग टीवी लिए थे। और गोलू कुछ क्या उसको क्या करवाए थे, गोलू पैसे क्या रखते है ना, वो LIC करवाया था, तो उसको तोड़ने वाला था, तो ये तोड़ा दिया था, तो ज्यादा पैसे नहीं मिला था, 15-20 हज़ार मतलब ज्यादा रखा नहीं था, तो जो भी हमको जरूरत था उस टाइम पैसे का, तो तोड़ा था, तो उससे वो वाला बेड लिया था, जो हमारा जो उधर बस, तो वही दो हमारे पास सामान था हमारे पास। उसके बाद हमने लगभग 4 महीने या 6 महीने लगभग रामगढ़ में रहे होंगे। हाँ, 6 महीना कम से कम रहे होंगे। उसके बाद हम लोग रांची शिफ्ट हो गए, उसके बाद यहाँ रांची में रहने लगे, क्योंकि रामगढ़ में ज्यादा घूमने वाला प्लेस नहीं है, ज्यादा ब्लॉगिंग करने के लिए मतलब है, लेकिन मतलब हम लोग को और अच्छा चाहिए था, जैसे रांची आना पड़ता था घूमने के लिए। इंस्टाग्राम में भी फॉलोअर था इनका, लगभग 1 लाख हो गया था, तो कुछ कुछ प्रमोशन था जो रांची से भी आता था, वीडियोस वगैरह बनाने जाना पड़ता था, जिसकी वजह से सोचे क्यों ना रांची में शिफ्ट हो जाए। उसके बाद लेकिन ये डिसीजन हमारे लिए बहुत अच्छा था है ना गोलू, कि रांची में शिफ्ट होना, और सच में मतलब जिससे हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसी सब में, भले हम लोग यूट्यूब में डेली एक्टिव नहीं रह पाते, लेकिन इंस्टाग्राम में हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, और जितना भी कुछ होता है तो भले इंस्टाग्राम हम लोग को पैसा नहीं देता है, लेकिन इंस्टाग्राम से हमको ब्रांड मिलता है, कोई गेमिंग का, ट्रेडिंग का, कुछ भी ऐसा होता है प्लेटफॉर्म वगैरह, तो उससे हम लोग प्रमोशन होता है, कोलैब होता है, तो वो सारी चीजों से लेके इतना है कि हम लोग अपने लिए कुछ निकाल लेते हैं, ये सारी चीजें होता है। लगभग 2 साल हो चुका है यहाँ, मतलब रांची में लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है, 1.5 साल से 2 साल 2 साल 1 साल यहाँ, और इससे पहले रहते 6 महीने, मतलब 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल से अभी रांची में रह रहे हैं, और देखो गाइस भगवान का देन है कि आज कहाँ थे, कब, कल क्या थे और आज क्या है। भले वो बात अलग है कि हमारे पास अभी मतलब खुद का घर नहीं है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं कि हम लोग की घर ना ले, लेंगे जरूर लेंगे, हमारे पास हर चीज है, हर सामान है, कोई चीज कमी नहीं, बस एक घर चाहिए, वो भी भगवान ने चाहा तो जल्द पूरा करेंगे, और आप लोग अगर सपोर्टर प्यार रहा तो जल्द ही पूरा करेंगे। एक ड्रीम हाउस, तो गाइस ये जो स्टोरी है ना, ये हमारे 3-4 साल के अंदर में, मैं आज इतना शॉर्ट मतलब छोटा करके बताई हूँ, उस बीच में ना बहुत सारे टकरार आए, बहुत सारे फेक दोस्त दिखने को मिला, बहुत फेक रिश्तेदार, और अपने ही दोस्त अपने ही सामने
अच्छे बातें करना होगा। और ये भी चीज है कि जो लोग कल पूछते नहीं थे वो लोग पूछते, और मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो देखो थोड़ा बहुत अनबन था लेकिन आज सब सपोर्टेड है। पहले एक टाइम था जब मैंने जो गलत कदम उठाया था ना उस टाइम मेरा पूरा खानदान मुझे गाली दे रहा था इस बात से लेके कि तू जो शादी किया कैसे लड़की से शादी किया, मतलब आदिवासी लोग बहुत ये होते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा हो गया था। लेकिन आज आज जैसे होता है ना हम लोग ने वो चीजों को करके दिखाया, तो आज पता है फैमिली वाले हमेशा अभी सपोर्टेड है। मेरा खुद की फैमिली सब, मेरा तो वो पहले से ही थी अभी भी है, और इनकी फैमिली जैसे हमारी मम्मी के साथ पहले बनती नहीं थी, अब मम्मी और मेरा बहुत अच्छा बनती है। मैं जब भी जाती हूँ मेरे को बहुत बेटी जैसे मतलब प्यार मिलता है मेरे को, अब पहले जैसे मतलब था उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा मम्मी और मेरा रिलेशन हो गया है। मतलब अच्छा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा सास से गलत, मतलब मम्मी जैसा फील होता है। सबको लगता था कि मैंने पता नहीं किसी से भी शादी कर लिया बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने, ऐसा तो कोई भी समझता नहीं था इस बात को, कि सब लोग लगता था कि तुम्हारा जो डिसीजन है बहुत ही गलत है। पर मैंने लड़की को छोड़ दो, पर मैंने जो डिसाइड लिया था बहुत कुछ साथ एक दूसरे को समझते हुए, और इनका भी सोचा कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छा समझते हैं, तो मतलब और मैं भी दोबारा गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना नहीं चाहता था, ये सब चीजें बस, और सेम चीज मैं भी ये नहीं चाहती क्योंकि सच बता रही हूँ तो, मेरा गांव में ना ये लड़का के बारे में पता था ना, तो क्या गांव वाले ना ऐसे ही, मतलब मेरा तो गांव वाले से मैं अभी भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती क्योंकि वो लोग हमेशा यही बोलते अरे यही है ना ये तो यही इससे इसका साथ ऐसा था, ये इसके साथ चक्कर था इसके साथ, मतलब इतना कुछ बोलता है ना गांव वाला कि मैं थक चुकी थी। मतलब मैं इसलिए मैं चाहती थी ना भले मैं सिंगल ही मर जाऊं, लेकिन एक होता है ना कि मैं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगी मैं शादी वादी ये सब मैं सोचती थी। लेकिन फिर एक होता है ना जब इंसान जब अलग हो जाता है किसी से ना, तब एक होता है जिनका ब्रेकअप होगा उनको पता होगा कि कितना गंदा वाला फील होता है, तो इनका भी सेम सिचुएशन मेरा भी सेम सिचुएशन था। तो हम लोग ने यार मतलब कि चलो यार जो हुआ सो बस हम लोग बात ही करते थे, लेकिन सबको ही बोलते हैं कि आप दोनों लव मैरिज क्यों, हमारा सच बता रहे लव मैरिज नहीं है, जस्ट हम लोग फ्रेंड्स हैं, डेढ़ महीना बात किए थे, कसम से गॉड वाला बोल रहे कसम से हम दोनों का लव बिल्कुल भी नहीं बस है। सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम लोग को करके दिखाना ही पड़ा क्योंकि हम लोग का एक दूसरे से नाम था ही नहीं, और वो नाम हम लोग का जुड़ के ट्रेंड कर रहा था ये बोल सकते हैं, पूरा रिश्तेदार खानदान राउरकेला रामगढ़ पूरा रांची पूरा ट्रेंड कर रहा था। तो हम लोग सोचे कि यार ठीक है कर ही लेते हैं, वैसे भी आज मैं बोली कि तुम भी ठीक ठाक दिखते हो, हम वही बोल रहे हाँ हमको पतली लड़की पसंद है तुम भी ठीक ठाक दिखते हो कर ही लेते हैं ये वाला था, तो हम लोग कर भी लिए कि मतलब इसलिए यार मतलब सबको कमेंट भी करते इंस्टाग्राम में कि यार आप लोग लव मैरिज किए हो, यूट्यूब में नहीं किए हैं भाई लव मैरिज, बस फ्रेंड था मैं भी फ्रेंड थी अनशांति कर ली। तो चलो गाइस ये था हमारा स्टोरी, लव स्टोरी नहीं बोल सकते लेकिन स्टोरी बोल सकते हैं हमारा जर्नी जैसा था। तो देखो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इस वीडियो को क्या मतलब क्या समझ रहे हो, लेकिन जो भी बोले हैं इसमें एक एक वार्ड सच है, और इन तीन सालों के बीच में जितना कुछ हुआ वो सारी चीजें को मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी कि मैं क्योंकि हमारा स्टोरी से कहीं ज्यादा फैमिली इसमें इन्वॉल्व था, तो मैं फैमिली कुछ चीजों को क्योंकि अभी बहुत अच्छा हो चुका है तो मैं फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी क्योंकि फैमिली का जो रिलेशन है अभी सच में ऐसा हो गया है तो मैं उसको फिर ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। तो जो था जैसा था भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, भले दो तीन साल पहले कैसे भी था लेकिन अब तो ठीक है ना, बस यही है। तो गाइस बस यही था हमारा स्टोरी, और कमेंट में जरूर बताना प्लीज, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।